नमस्कार दोस्तों, आज के फाइनेंशियल रिजल्ट हैं। सबसे पहले श्री सीमेंट मैं बताना चाहता हूँ, श्री सीमेंट का जो सेल्स है वो 3781 करोड़ आया है सितंबर के महीने में। पिछले साल यही 3206 था। और प्रॉफिट देखा जाए तो इस क्वार्टर में 90 का प्रॉफिट आया है, जबकि यही सेम क्वार्टर में पिछले साल 577 का है। तो इसमें गजब का इसमें प्रॉफिट का डिक्लाइन हुआ है। और यही लास्ट क्वार्टर में आप देखें तो 4203 करोड़ का सेल था और जबकि 315 करोड़ का प्रॉफिट। इस हिसाब से आप देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है इसमें करीब करीब 40% का डिक्लाइन हुआ है और ईयर ऑन ईयर करीब करीब 67% का डिक्लाइन हुआ है। यहाँ से आप लिंक देख सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी टाटा एलेक्सी है, जिसमें कि 763 करोड़ का जो है सेल्स हुआ है और 174 करोड़ का प्रॉफिट। इस पिछले साल इसी क्वार्टर में 595 करोड़ का सेल्स था और 125 करोड़ का प्रॉफिट। और लास्ट क्वार्टर में कंपनी जो है 726 करोड़ का जो सेल्स करी थी टाटा एलेक्सी, ओके 726 करोड़ का सेल्स करी थी और इसमें करीब करीब 180 करोड़ का इसने प्रॉफिट किया था। ठीक है, इस हिसाब से ईयर एंड ईयर तो 40% का ग्रोथ कर रही है, लेकिन क्वार्टर एंड क्वार्टर 5% का लॉस भी है। तो आने वाले टाइम में शायद इसके शेयर के गिरने की संभावना ज़्यादा है। नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पर ओबेरॉय रियल्टी है। ये एक रियल्टी सेक्टर कंपनी है जिसमें जो बिल्डिंग और फ्लैट्स बनाती है। इसमें 128 करोड़ का सेल्स किया था जबकि 139 करोड़ का प्रॉफिट है, सेल्स से ज़्यादा प्रॉफिट हो गया है। और इसी कंपनी ने पिछले साल इसी क्वार्टर में 378 करोड़ का सेल्स करके 177 करोड़ का प्रॉफिट किया था और लास्ट क्वार्टर में 385 करोड़ का सेल्स करके 196 करोड़ का प्रॉफिट। इस हिसाब से देखिए तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर 30% का डी ग्रोथ है और ईयर ऑन ईयर 21% का डी ग्रोथ है। और यहाँ पर नेक्स्ट देखिए प्लास्टिक बेंड करके एक कंपनी है जिसमें 180 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था इस क्वार्टर में और 4.2 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। 180 करोड़ का सेल्स और 4.2 करोड़ का प्रॉफिट। पिछले साल इसी क्वार्टर में 171 करोड़ का सेल्स और 5.5 करोड़ का प्रॉफिट और लास्ट क्वार्टर में 204 करोड़ का सेल्स और 9.98 करोड़ का प्रॉफिट। तो इस हिसाब से क्वार्टर एंड क्वार्टर 57% का डिक्लाइन है और ईयर ऑन ईयर 23% का डिक्लाइन है इसके प्रॉफिट में। नेक्स्ट जस्ट डायल है। जस्ट डायल ने थोड़ा प्रभावित किया इस साल, 205 करोड़ का प्रॉफिट है और 205 करोड़ का सेल्स है और 52 करोड़ का प्रॉफिट है। पिछले साल इसी क्वार्टर में 156 करोड़ का सेल्स करके इन्होंने 32 करोड़ का प्रॉफिट दिया था और लास्ट क्वार्टर में इन्होंने 146 करोड़ का इसने सेल्स करा है और करीब करीब 48 करोड़ का लॉस किया था पिछले ही क्वार्टर में। तो इस हिसाब से आप देखें तो करीब करीब इस कंपनी ने 207% का ग्रोथ किया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर और 58% का ग्रोथ किया ईयर ऑन ईयर। यहाँ माइनस आपको दिख रहा होगा, इससे आप प्रभावित ना हो, ये कैलकुलेशन की वजह से, लेकिन यहाँ 207% का प्रॉफिट किया कंपनी ने। नेक्स्ट आप ZF स्टीयरिंग बनाएंगे। स्टीयरिंग बनाने वाली कंपनी है जो 105 करोड़ का सेल्स करके देखिए 5.48 इसने प्रॉफिट किया है इस क्वार्टर में। पिछले साल इसी क्वार्टर में इसने करीब करीब 70 करोड़ का सेल्स करके 5.7 करोड़ का प्रॉफिट किया था और लास्ट क्वार्टर में 110 करोड़ का सेल्स करके 5 करोड़ का प्रॉफिट किया है। इस हिसाब से 9.6% का क्वार्टर एंड क्वार्टर ग्रोथ है बट साल दर साल इसमें लॉस है, डी ग्रोथ है आप कह सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी है आप एवेन्यू सुपरमार्ट। एवेन्यू सुपरमार्ट जिसको आप डीमार्ट के नाम से जानते हैं, डीमार्ट कंपनी का 10,000 करोड़ का सेल्स हुआ है इस क्वार्टर में जिसमें 730 करोड़ का प्रॉफिट है। पिछले साल इसी क्वार्टर में 7,650 करोड़ का सेल्स हुआ था और जबकि 448 करोड़ का इसने प्रॉफिट किया था। अगर लास्ट क्वार्टर की बात करें तो 9,807 करोड़ का सेल्स था और जिसमें 680 करोड़ का प्रॉफिट। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर 7% तो ग्रो कर रही है कंपनी, लेकिन ईयर ऑन ईयर 60% ग्रोथ, एक्सीलेंट रिजल्ट है एवेन्यू सुपरमार्ट। देखिएगा इसमें जल्दी ही आपको ब्रोकरेज के बहुत सारे रिव्यू आएंगे बाय कॉल के। नेक्स्ट है HDFC बैंक। इसमें करीब करीब 38,000 करोड़ का इसने ओवरऑल इनकम जनरेट किया इंटरेस्ट से और इसमें 10,605 करोड़ का इसने प्रॉफिट कमाया है। पिछले साल इसी क्वार्टर में इसने 31,353 करोड़ का इसने सेल्स किया था, इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम था, जिसमें 8,800 करोड़ का इसने प्रॉफिट बनाया था और लास्ट क्वार्टर में इसने 35,172 करोड़ का इसने सेल्स किया है और करीब 9,195 का इसने प्रॉफिट कमाया है। तो आप देखेंगे HDFC क्या कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दे रही है। क्वार्टर एंड क्वार्टर 15% का ग्रोथ है जबकि ईयर ऑन ईयर 20% का ग्रोथ है, एक्सीलेंट रिजल्ट आप कह सकते हैं। नेक्स्ट है रिलायंस इंडस्ट्री इंफ्रा। ये कंपनी छोटी कंपनी है, मिड कैप कंपनी है, लेकिन इसके रिजल्ट ने मुझे प्रभावित किया है। यहाँ देखिए 62 करोड़ का इसने सेल्स करके 1.87 करोड़ का इसने प्रॉफिट किया है। ये कंपनी आपको बता दूं, ये कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज कंपनी है
और इसमें अगर लास्ट ईयर का आप सेल्स देखें तो 16.74 करोड़ का सेल्स किया था, जबकि पिछले साल इसने 1.94 का प्रॉफिट भी कमाया था। और यही लास्ट क्वार्टर में आप बात करें तो ये 16.52 करोड़ का सेल्स करके 1.12 करोड़ का प्रॉफिट किया है। तो इस हिसाब से देखें तो क्वार्टर टू क्वार्टर 66.96% का इसने क्वार्टर टू क्वार्टर ग्रोथ दिखाया है, और साल दर साल इसने 3.6% का डी ग्रोथ दिखाया है। लेकिन इट्स समथिंग अ गुड कंपनी अंडर रिलायंस इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट थ्री पी लैंड। अब देखिए थ्री पी लैंड कंपनी जो है ये एक होल्डिंग कंपनी है। इसमें इसने 1.15 करोड़ का सेल्स करके 75 लाख का प्रॉफिट किया है। पिछले साल इसी क्वार्टर में 91 लाख का सेल्स करके 560 लाख के करीब प्रॉफिट कमाया था, और लास्ट क्वार्टर में इसने सिर्फ 43 लाख का इसने सेल्स करके 24 लाख का इसने प्रॉफिट कमाया था। तो इस हिसाब से देखें तो कंपनी करीब करीब 212% तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रो कर रही है, लेकिन 27% कंपनी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कर रही है। तो आशा करता हूँ ये सारे वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। ये सारे एनालिसिस मैं सारे जितने भी PDF लिंक्स हैं इनके रिजल्ट के मैं सबको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा आपके हेल्प के लिए।